पंजाब के भटिंडा जिले में एक शादी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल ये शादी लड़का और लड़की की नहीं बल्कि दो लड़कियों के बीच हुई है। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। 18 सितंबर को पंजाब के भटिंडा जिले में गुरुद्वारे में एक समलैंगिक शादी हुई। गुरुद्वारे में हुई दो लड़कियों की शादी दोनों परिवारों की सहमति के साथ हुई थी। आपको बता दें कि जब इन दोनों लड़कियों ने अपने घर वालों को इस बारे में जानकारी दी तो परिवार वाले पहले इसके खिलाफ थे। हालांकि इनके मनाने पर दोनों के परिवार वाले इनकी शादी के लिए तैयार हो गए और इसके बाद दोनों की गुरुद्वारे में धूमधाम से शादी हुई। जिन दो लड़कियों की शादी हुई है उनमें डिंपल जट सिख परिवार से संबंध रखती है, जबकि मनीषा हिंदुओं में दलित समाज से आती है। इनकी शादी भी ठीक वैसे ही हुई है जैसे कि सामान्यता दूसरी शादी होती है। बस फर्क इतना था कि शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों ही लड़कियां थी। शादी में डिंपल दूल्हा बनी तो मनीषा दुल्हन। शादी में दूल्हा बनी डिंपल ने बकायदा दस्तार सजाई हुई थी। दोनों लड़कियों की शादी में उनके परिवार के भी लोग शामिल हुए और दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। भटिंडा की रहने वाली मनीषा वहीं मानसा की रहने वाली डिंपल की मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी। दरअसल दोनों ही काम के सिलसिले में 9 महीने पहले चंडीगढ़ गई हुई थी, जहां पर दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन गुरुद्वारे में हुई दोनों लड़कियों की शादी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस शादी को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त साहिब ने इस शादी को नैतिक और धार्मिक मूल्यों का उल्लंघन करार दिया। दरअसल समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, लेकिन देश में लगातार इस तरह की शादियों के मामले बढ़ रहे हैं जहां दो लड़के या दो लड़कियां आपस में शादी रचा रही हैं। डिंपल और मनीषा की शादी तो हो गई, लेकिन कई समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। कहा जा रहा है कि सिख धर्म में समलैंगिक शादी जायज नहीं है, तो इस शादी की रस्में गुरुद्वारे में क्यों करवाई गई? सिख धर्म में समान लिंग विवाह अप्राकृतिक और सिख नैतिकता के विपरीत है। सिख संगठनों ने जब इसका विरोध किया तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जांच के लिए कमेटी बना दी। जांच के बाद शादी करवाने वाले दोनों ग्रंथियों को बर्खास्त कर दिया गया। पहले समलैंगिकता गैर कानूनी थी और ऐसे रिश्ते अवैध हुआ करते थे। ब्रिटिश काल यानी कि साल 1860 से 62 तक आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था। देश में समलैंगिकता को लीगल करने के लिए गे और लेस्बियन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजीबीटी ने ऐसे रिश्तों को मंजूरी देने की मांग की है। आखिरकार साल 2018 में धारा 377 को मान्यता मिल गई और इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। इसके बावजूद समाज ऐसे रिश्तों को कभी भी खुले दिल से स्वीकार नहीं करता है। जब समलैंगिकों को समानता का अधिकार मिल गया तो एक नई मांग उठने लगी और ये मांग है समलैंगिक विवाह की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी चल रही है। दुनिया के 34 देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ये तमाम देश है जहां पर पहले ही समलैंगिक शादी को मान्यता दी जा चुकी, लेकिन भारत में इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।